हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चेक। तो दोस्तों, मैं काफी दिनों बाद फिर से फायर बोल्ट का वीडियो लेके आ गया हूं। इसमें आपको मैं दो तीन बातें बताऊंगा जो कि फायर बोल्ट से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और सबसे अगर मेन बात की बात किया जाए तो वो है फायर बोल्ट अब क्या है, रिफर्बिश वाज आपको भेजना शुरू कर दिया है। एक लोग का मेरे पे मैसेज आया है, मैं उनका आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, उन्हें रिफर्बिश वाज मिला हुआ है। प्रॉब्लम की बात किया जाए कि अगर आप वॉच ऑर्डर कर दिए हैं, अगर आपको वॉच पसंद नहीं आ रही है तो आप ऐसा वेट मत करिए उसके लिए कि दो तीन दिन चार दिन बीतने के बाद आप उसे फिर रिटर्न के लिए या रिप्लेस के लिए बात करेंगे। क्योंकि एक लोग का मेरे को मेल आया था, उन्होंने दिखाया अपने नई वॉच ली थी और उसे सोचा उन्होंने रिटर्न कर देता हूँ, तो लगभग तीन चार दिन बाद उन्होंने मेल किया था तो उधर से रिप्लाई आया था कि आपको जब भी न्यू वॉच मिलती है तो आप 24 घंटे के अंदर ही अगर आपको रिटर्न करना है तो एक बार आप कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट करिए। वो भी कंफर्म नहीं है कि रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा कोई मिला नहीं जिसका रिटर्न हुआ हो। लेकिन फायर बोल्ट के मेल में साफ साफ लिखा था कि 24 आवर्स के बाद अगर आप बताते हैं कुछ भी उसमें ऐसा प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपकी वॉच को रिटर्न किया जाए तब रिटर्न नहीं होगा। 24 घंटे के अंदर अगर आप कुछ प्रॉब्लम बताते हैं तो रिटर्न हो भी सकता है, उसके बाद नहीं होगा, फिर आपको सर्विस करानी पड़ेगी और सर्विस में आपको वॉच को सही करके मिलेगा या फिर न्यू वॉच आपको मिलेगी। ज्यादातर मामलों में यही होता है कि आपकी वॉच न्यू वॉच मिलती है क्योंकि वॉच जल्दी सही हो नहीं पाते हैं। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर को रिफर्बिश वॉच मिल गई है तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया था और स्क्रीनशॉट दिया था। और रिफर्बिश वॉच ऐसा नहीं है कि फायर बोल्ट आपको चोरी से भेज रही है, इन्होंने एक वॉच ऑर्डर किया था, उसको सर्विस के लिए भेजा था, लेकिन वहां से काफी दिनों बाद बोल रहे थे वॉच स्टॉक में नहीं है, नई वॉच स्टॉक में नहीं है। लेकिन फिर उधर से एक दिन मेल आया कि अगर मेरे पास वेट करने के बाद भी अगर स्टॉक में वॉच नहीं आएगी तो कंपनी आपको रिफर्बिश वॉच भी भेज सकती है। और हुआ यही भी, मेल के 5-6 दिन बाद उस कस्टमर को रिफर्बिश वॉच मिल गई है। तो उन्होंने मेरे को उस डब्बे का बॉक्स का वॉच के फोटो लेके भेजा था जिसपे कि आपको उस पर आर स्टिकर चिपका हुआ मिल जाएगा, जिसका मतलब होता है कि ये रिफर्बिश है। तो ये स्क्रीनशॉट है, आप देख लीजिए। तो अब अगर आपकी वॉच में कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप सर्विस के लिए भेजते हैं तो जरूरी नहीं है कि रिप्लेस होकर नया वॉच भी मिलेगा, दूसरी वॉच भी मिल सकती है। और उसी कस्टम आपका अगर वही वॉच चाहिए, अगर वॉच नहीं है स्टॉक में तो आपको रिफर्बिश वॉच भी मिल सकती है। और मैं तो सबसे पहले बोलता हूँ कि फायर बोल्ट की वॉच आपको लेनी ही नहीं है, क्योंकि उनके वॉच में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाता है और उनका कस्टमर केयर का नंबर भी सही से लगता नहीं है, बात हो नहीं पाती है, कुछ भी उनका ढंग का नहीं है। अब बात करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, कंपनी के पास स्टॉक क्यों नहीं है और रिफर्बिश वॉच क्यों भेज रही है। आप 3-4 महीने से देख रहे होंगे फायर बोल्ट की वॉच पे इतना ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल रहा है, जो कि 3,000, 4,000, 5,000, 8,000, 9,000 की वॉच है वो भी आपको 2,000, 2,500 में मिल रही है। मेरे दोस्त हैं, शॉप है उनका, तो मैंने उनसे परिचय है तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब इतनी ज्यादा डिस्काउंट पे वॉच मिल रही है। तो उन्होंने बताया कि फायर बोल्ट का आपको पता ही है कि सबसे तेजी से वॉच के लिए बहुत काम कर रही है और वॉच बहुत ज्यादा बनाती है। तो अभी क्या है कि उनके पास स्टॉक क्या है कि धीरे धीरे पुराने स्टॉक कम हो गए हैं और नए स्टॉक कंपनी हमेशा हर महीने लगभग एक दो वॉच लॉन्च कर रही है, तो नए प्रोडक्ट पे ध्यान दे रहे हैं और स्टॉक में जो पुराना वॉच बचा हुआ है उसी को वो कम डिस्काउंट पे 50% 60% डिस्काउंट पे बेच रहे हैं। और आप लोग गलती क्या करते हैं कि ये ज्यादा डिस्काउंट दे के वॉच ले लेते हैं और आप चेक भी नहीं करते हैं कि ये वॉच कब की बनी है और कितनी पुरानी है, कब लॉन्च हुई थी। आप कोई अगर 8 महीने पुराने वॉच को डिस्काउंट पे दे रहा है, आपको अच्छी लगी आप उसे ले लीजिए, लेकिन अगर उसमें आप प्रॉब्लम होगी तो आप अगर सोच के देखिए कि कंपनी 8 महीने से लगातार उसी वॉच को तो नहीं बनाएगी ना। कंपनी अपने नए वॉच को आगे बनाती रहती है तो पुराने वॉच बनने बंद हो जाते हैं, तो जो भी स्टॉक में पड़ा रहता है जब तक वो आपको रिप्लेस करके मिलता रहेगा और रिप्लेस में सभी खत्म हो जाएगा और आपकी वारंटी रहेगी 1 साल तक, तो फिर आपको वही होगा कि पुराना वॉच को रिपेयर करके रिफर्बिश बोल के भेजा जाएगा। लेकिन रिफर्बिश भी बेकार नहीं होता है, उसको कई स्टैंडर्ड से चेक करने के बाद ही आपको भेजा जाता है रिफर्बिश वॉच। तो मेन प्रॉब्लम यही है कि अगर आप वॉच लेने जाते हैं तो आप ऑफलाइन ले रहे हैं तो अच्छी बात है, दुकानदार से पूछ लीजिए ये लॉन्च कब हुआ था, तो आप सबसे लेटेस्ट वॉच लीजिए, डिस्काउंट चक्कर में काफी पुराना मत लीजिए, क्योंकि उसको रिप्लेस कराने में क्या हुआ, कोई स्टॉक ही नहीं है। और बाकी अगर ऑनलाइन आप लेते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले अगर डिजिटल प्रोडक्ट लेते हैं तो आप उसकी लॉन्चिंग डेट जरूर देख लिया करिए, ज्यादा पुराना लॉन्च डेट का भी प्रोडक्ट मत लिया करिए, क्योंकि आपको 1 साल की लगभग मिल जाती है वारंटी और 1 साल में अगर कंपनी का स्टॉक खत्म हो गया तब ये प्रॉब्लम होती है कि फिर वो पुराना आपको रिफर्बिश करके भेजेंगे। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।